अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबीन और उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और ईद का थर्ड डे चल रहा है लेकिन नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। वेकेशंस जो ईद की छुट्टियाँ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, पर मुझे समझ नहीं आता क्यों ईद के थर्ड डे भी बुलाया जाता है और ऑफ़ देना चाहिए यार। दावतें होती हैं, बंदा इंजॉय करे, लेकिन फिर भी जाना तो पड़ता है। ऑफिसेज खुल चुके हैं, नॉर्मल लाइफ स्टार्ट हो चुकी है। और सबसे बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं, जब मैं ऑफिस में हुआ करती थी, जब मेरी ऑफिस प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट थी, चल रही थी, तब मैंने एक बहाना ज़रूर देखा था लोगों का। वही होता था कि ये वाली ईद तो हम यहाँ पर करते ही नहीं है। मतलब हमने यहाँ पर कराची में या फिर अपने ऑफिस प्रेमिसेस में ईद करनी नहीं है, हमने जाना है गांव, किसी और शहर, अपने दादा के साथ, अपने नानों के साथ ईद मनानी है। तो हम तो होंगे ही नहीं, तो इसलिए ईद के थर्ड डे हम आ नहीं सकते। और बेचारे बॉसेस भी जो है ना, वो इस चीज़ में ब्लैकमेल हो जाते थे, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते थे, और वो छुट्टी दे देते थे। तो ये बहुत अच्छा बहाना है, अगर अभी तक किसी ने नहीं किया तो नेक्स्ट ईद पर आप ये कर सकते हैं। तो आज फिर चलते हैं, एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो है बीफ कोफ्ता रेसिपी। और वो रेसिपी ऐसी है, अक्सर लोगों को ना कोफ्ते से शिकायत होती है कि उनके कोफ्ते जो है ना वो टूट जाते हैं और नरम हो जाते हैं और घुल जाते हैं सालन में, ग्रेवी में। तो इस वाली रेसिपी को फॉलो करके हुए आपके जो कोफ्ते हैं ना वो बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे जैसे आपने बनाए थे। मैं ये बात गारंटी से बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे वाले कोफ्ते कभी भी नहीं टूटते। तो फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ, कैसे बनाने हैं वो कोफ्ते जो टूटे नहीं और बिल्कुल साबित रहे। और मौसम इन्जॉय कर रहे होंगे आजकल, कराची में मानसून चल रहा है, पूरे मुल्क में मानसून चल रहा है और बहुत ही मज़े का मौसम हो चुका है। तो रेसिपी में जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है बीफ कोफ्ते रेसिपी। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूटते। आप देख रहे हैं इसमें से कोई एक बॉल भी जो है मीट बॉल नहीं टूटा था। और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाओगे तो डेफिनेटली आपके जो मीट बॉल्स हैं, जो कोफ्ते हैं, वो बिल्कुल नहीं टूटेंगे। तो जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से। तकरीबन हाफ के जी हम इसमें कीमा लेंगे और जो ग्रीन मसाला और प्याज टमाटर जो है वो सारे मैंने आपको दिखाए हैं। तो कोफ्तों का मिक्सचर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है बेसन। तो मैं पहले बेसन को ड्राई रोस्ट कर लूँगी और उसको तकरीबन 2 टेबल स्पून बेसन ले लें, काफ़ी होता है आधे के जी के लिए। और उसको अच्छे से रोस्ट कर लीजिए, जब तक इसकी खुशबू आ जाए तब तक इसको रोस्ट कीजिए और फिर बाद में साइड में रख दीजिए। तो हम लेंगे एक ब्लेंडर चॉपर और उसमें मैं डालूंगी 1/2 kg बीफ मिंस है, बीफ का कीमा है। आप मटन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक रेसिपी वैसे भी बीफ से ही बनती है तो मैंने बीफ यूज़ किया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज है, उसको आप किसी भी शेप में चॉप कर लें क्योंकि कटन तो उसने चॉपर में जाके वैसे ही कट जाना है। और जिंजर पेस्ट 1 टेबल स्पून और इसी के साथ मैं ऐड करूँगी गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून और उसी के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जो ग्रीन चिलीज़ हैं। ये बुलेट चिलीज़ नहीं थी, ये नॉर्मल चिलीज़ थी, तो जो मलीर वाली चिलीज़ होती हैं अगर आपने देखी हो पतली पतली सी, तो वो 2 टेबल स्पून हम ऐड करेंगे। और उसके बाद हरा धनिया और पुदीना जो है 1-1 कप हम इसमें ऐड करने वाले हैं। और जो मसाले मैं ऐड कर रही हूँ उसमें लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स हैं 1 टेबल स्पून और उसके बाद मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ नमक हसबे जायका जाएगा इसमें। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर, क्यूमिन सीड जाएंगे, ज़ीरा जाएगा और ज़ीरा पाउडर भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं। तो इसके बाद मैं ऐड करूँगी इसके अंदर ज़ीरा पाउडर 1/2 teaspoon और गरम मसाला 1/2 teaspoon, दोनों 1/2 teaspoon मैं इसमें ऐड करूँगी। और उसके बाद ऐड कर देंगे वो जो रोस्ट किया हुआ बेसन था वो ऐड करेंगे और उसके बाद चॉपर को चला देंगे कि एक अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। और चॉपर अब तैयार है बिल्कुल चलने के लिए और इसको इतना चलाना है, इसको इतना मिक्स करना है कि एक अच्छा सा बैटर बन जाए। बहुत ज़्यादा मुशी सा भी बनना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिकी भी नहीं बनना चाहिए, अगर आप ज़्यादा उसको चलाएँगे तो वो स्टिकी बन जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके का बैटर आपको तैयार करना है जिससे आपके जो कोफ्ते हैं वो नहीं टूटेंगे। आई एम गारंटिंग यू कि वो नहीं टूटेंगे। इस तरीके से आप इसका बैटर बनना चाहिए आपका बैटर, और ये परफेक्ट बैटर होता है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, इसकी जो स्टिकीनेस है वो आप देखें, इस बैटर के साथ आपके कोफ्ते कभी नहीं टूटेंगे। तो एक बाउल में मैं इस पूरे मिक्सचर को ट्रांसफ़र करूँगी, उसके बाद हम बनाएंगे इसके जो कोफ्ते हैं वो किस साइज़ के बनाने हैं, आपने एक्चुअल साइज़ क्या रखनी चाहिए वैसे कोफ्तों की, ताकि वो जब पकें और कुक हों तो कुक होने के बाद क्या साइज़ मीट बॉल्स का बचेगा। तो हाथ थोड़े से मैं कर लूँगी वेट और उसके बाद मैं इसके मीट बॉल्स बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आपने थोड़ा सा इतना मीट बॉल बनाना है थोड़ा बड़े साइज़ का, ताकि जब वो कुक होने जाए
तो उसका साइज श्रिंक होता है, तो आपने थोड़े से बड़े साइज़ के बनाने हैं ताकि वो जब पके तो थोड़े से कम हो जाए और बिल्कुल छोटे से बॉल्स नज़र ना आए। तो इस तरीके से आपने सारे बॉल्स बना लेने हैं, मीट बॉल्स, और तकरीबन 15 से 16 बॉल्स बन चुके थे मेरे आधे के जी बीफ मिंस से और कीमे से। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी जो मीट बॉल्स हैं वो बना लेते हैं। मीट बॉल्स बन चुके हैं और अब मैं इनको रखूँगी तकरीबन एक घंटे के लिए फ्रीज़र में। अगर आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं तो भी रखें, लेकिन मैं एक घंटा काफ़ी होता है इनको रेस्ट करने के लिए। तो जो ग्रेवी हमें बनानी है कोफ्तों की, उसके लिए मैं प्याज तैयार कर रही हूँ और इसके अंदर मैं प्याज डालती हूँ, ग्रेटेड प्याज होता है, और इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही रिच सी बनती है। आपको प्याज बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। मैं आपको दिखाऊँगी आखिर में कि एक प्याज भी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा ग्रेवी में। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक कप तकरीबन ऑयल या घी ले लें, मैंने घी लिया था तो एक कप मैंने घी लिया है और ग्रेटेड प्याज मैं इसमें ऐड करूंगी और उनको पकाऊंगी तब तक जब तक इसका गोल्डन पिंक कलर नहीं आता और ट्रांसल्यूसेंट से नहीं हो जाता ये। प्याज हमारे बिल्कुल तैयार होने वाले हैं और तकरीबन एक मिनट और मैं इसमें पकाऊंगी और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें। और प्याज में अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसको ऐड करने के बाद मैं तकरीबन एक मिनट के लिए पकाऊंगी ताकि जिंजर गार्लिक भी पक जाए और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो फिर हम स्टार्ट करेंगे। अब बारी हमारे मसालों की, वो तो 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून मैं रेड चिली फ्लेक्स मैं ऐड करने वाली हूँ उसके अंदर। हल्दी थोड़ी सी जाएगी, हाफ से भी हाफ मैं ऐड करूँगी टीस्पून, थोड़ी सी हल्दी जाएगी, कोरिएंडर पाउडर जो धनिया पाउडर है वो 2 टेबल स्पून जाएगा, इससे ग्रेवी अच्छी बनती है। और उसके बाद जाएंगे क्यूमिन सीड, सॉल्ट हसबे जायका ही जाता है, ज़ीरा मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, ज़ीरा पाउडर मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ, और ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे और ज़ीरा जो है वो हम पूरा फुल टीस्पून ऐड करने वाले हैं और इसकी एक अच्छी सी रिच सी ग्रेवी तैयार करेंगे ताकि जो चीज़ें हैं उनका रोमा जायका आपस में मिक्स हो जाए और अच्छा सा एक ग्रेवी तैयार हो जाए। टोमेटो प्यूरी 1 कप मैं ऐड कर रही हूँ, आप सिंपल कटे हुए टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद लेकिन इन दोनों ग्रेटेड प्याज और टोमेटो प्यूरी से जो ग्रेवी है वो बहुत ही रिच और बहुत खूबसूरत बनती है, तो उसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया ताकि टमाटर आपस में पक जाएं। और आप देख सकते हैं कितनी अच्छी ग्रेवी और ऊपर ऑयल देख सकते हैं किस तरीके से निकल आ चुका है। और इसको तकरीबन 2 मिनट और पकाने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मीट बॉल्स, कोफ्ते। तो कोफ्ते मैंने ऐड करना शुरू कर दिए हैं 1 बाय 1 और बहुत ही एहतियात से इनको ऐड कीजिए। और ऐड करते ही ना आपने इसको चलाना नहीं है बिल्कुल भी, आपने इनको अपनी जगह पर रख के ग्रेवी में डाल के ढक देना है ताकि ये थोड़े से हार्ड हो जाएं, इनका कलर जो है वो थोड़ा सा वाइट हो जाए, चेंज हो, उसके बाद फिर हम चाहेंगे ताकि जो ये कोफ्ते हैं थोड़े से आपस में जान पकड़ लें। तो अब ढक देते हैं इनको, तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट के बाद फिर से आके इनको चेक करूँगी, उसके बाद फिर इसके अंदर हम स्पून चलाएंगे, चम्मच चलाएंगे। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में कैसे जो मीट बॉल्स हैं, कोफ्ते हैं, वो रिच हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, पकना शुरू हो चुके हैं। अब मैं इसमें चलाऊंगी चम्मच और बहुत ही हल्के हाथ के साथ और बहुत ही आराम से आपने इनको घुमाना है आराम आराम से ताकि मीट बॉल्स ना टूटें। टूटते नहीं हैं, आप अगर ये ट्रिक फॉलो करेंगे कि उनको डाल के ग्रेवी में 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो हार्ड हो जाएं। और अब मैं इसको हल्का हल्का सा हिला लूँगी ताकि अपनी जगह से ही थोड़ा सा हिलें ताकि नीचे से लगें भी नहीं। और बहुत ही मज़े के कोफ्ते ये तैयार होते हैं वैसे। अच्छा, भुनाई के साथ साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 अदद बुलेट चिलीज जो हैं ताकि इसकी खुशबू भी ये सालन कोफ्तों में आ जाए। कोफ्तों को पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं चिलीज़ के साथ, मिर्चों के साथ। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 कप पानी ताकि ग्रेवी सी बन जाए इसकी, जो थोड़ा सा पानी वाली ग्रेवी होनी चाहिए। तो वो ऐड करने के बाद भी मैं इसको तकरीबन 5 मिनट पकाऊंगी और उसके बाद करेंगे हम इसको डिश आउट। पाँच मिनट हो चुके हैं और कोफ्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं। चलें फिर इनको करते हैं डिश आउट और फिर सर्विंग की तरफ चलते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू मुझे तो आ रही है और जब आप बनाएंगे तो मुझे यकीन है कि आपको भी इतनी ही मज़े की खुशबू आएगी और आपको भी पसंद आएंगे। तो आपने क्या करना है, आपने इस बकरीद पे लाजमी बनानी है ये रेसिपी और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपको कैसी लगी रेसिपी। आप ग्रेवी देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई टमाटर और
जो प्याज था जो मैंने ग्रेटेड करके डाला था वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे इसकी हरा धनिया के साथ और फिर इसको करेंगे सर्व खाने के लिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी आपको और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी और उसके बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द और बहुत ही यूनिक रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।